हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। TDS को लेकर के एक कमेंट आया पड़ा है तो इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। जरा ध्यान से समझिएगा कि टैली में TDS को कैसे डिडक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो हमें TDS ऑप्शन चालू करना होगा। तो यहाँ ये गेटवे ऑफ टैली आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ से आपको क्या करना है, F11 की प्रेस करनी है। तो यहाँ देख सकते हैं GST चालू हुआ पड़ा है लेकिन TDS नहीं चालू है। यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा, TDS यस हो जाएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर आपको टैक्स 10 नंबर भरना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है टैक्स 10 नंबर। तो जो भी 10 नंबर है, 10 ऊपर 10 रजिस्ट्रेशन नंबर था, यहाँ पे 10 नंबर है। तो जो भी 10 नंबर है ये इसको भर करके फिर आगे बढ़िएगा इस तरीके से। फिर यहाँ कंपनी है, इंडिविजुअल है, वो देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा। डिवीजन कौन सा है आपका, इसे मैं देवरिया डिवीजन कर देता हूँ। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम आएगा, कुछ भी ऐसे डाल के फॉर एग्जाम्पल समझा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, एंटर कर दिया। फिर यहाँ डेजिग्नेशन, फिर यहाँ पैन नंबर इनका आएगा, तो जो भी इनका पैन नंबर पड़ता हो वो आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल आएगी और पैन कार्ड नंबर सही डालिएगा, ठीक है। वो हमने डाल दिया और एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। एंटर करते हुए बाकी सारी डिटेल भरते हुए आगे बढ़ जाइएगा और यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कराना है। तो ये एक्सेप्ट हो गया, यानी TDS हमने चालू कर दिया। देखिए कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनका ये दिमाग में क्वेश्चन बन जाता है कि अब TDS की एंट्री कहाँ पास करेंगे, कौन से वाउचर में। जैसे आप वी प्रेस करते हैं तो यहाँ आपको वाउचर्स नजर आएंगे, कंट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, सेल्स है, परचेज है, अदर वाउचर भी है, लेकिन इसमें से TDS वाली एंट्री किस वाउचर में पास करी जाए, ये एक सवाल होता है। तो हमेशा आप जर्नल वाउचर का इस्तेमाल करें, सही रहेगा, ठीक है। तो F7 करके आप आ जाइए जनरल वाउचर में। यहाँ पर आपको डेबिट ऊपर दिखाई पड़ रहा होगा, किस चीज़ पर TDS कटा हुआ है वो आपको देखना होगा। तो Alt C करके मैं उसका लेज़र एक बना डालता हूँ, जैसे TDS यहाँ पर लिख देता हूँ, TDS या फिर सैलरी लिखता हूँ, सैलरी, ठीक है। तो ये सैलरी लिख दिया और एंटर किया, एंटर किया। सैलरी क्या होता है, इनडायरेक्ट इनकम होता है। सैलरी के ऊपर TDS कटा हुआ है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के TDS एप्लीकेबल यस रहेगा। यहाँ पे एप्लीकेबल करना होगा आपको क्योंकि सैलरी पे TDS कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन आप बना सकते हैं या एनी भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नेम दे सकते हैं जो भी आपका नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हो। तो यहाँ पे TDS ऑन सैलरी ऐसे करके दे सकते हैं, ये दे दिया, एंटर किया। और यहाँ पे सेक्शन जो भी आपका बनता हो वो डाल करके आगे बढ़िएगा। विथ पैन 10% कटेगा, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। थ्रेश होल्ड लिमिट कितनी है, जैसे मान लीजिए अभी तो 3.5 लाख चल रहा है गवर्नमेंट में, लेकिन एक साल का 3.5 लाख या इससे अधिक चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा कम ही रखता हूँ, जैसे 50,000 रख देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए 50,000 ही रख दिया है ताकि इस पर TDS आसानी से डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये 50,000 करके एंटर करके आगे बढ़ना है आपको, एक्सेप्ट कराना है इसको, ठीक है। एंटर कर लीजिए, एक्सेप्ट करा लीजिए और यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर वो पार्टी का नाम हमें देना है जिसका कि TDS कट रहा है, यानी सन्डरी क्रेडिटर पार्टी का नाम यहाँ आएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका नाम हो, जैसे अमन क्रेडिटर कर देते हैं, क्रेडिटर लिख देता हूँ ताकि ये पहचान में आए, और इसे डालेंगे सन्डरी क्रेडिटर के ग्रुप में। तो यहाँ से सन्डरी क्रेडिटर आप चूज कर लीजिएगा, एंटर करिएगा और एंटर करके TDS डिडक्टेबल रहेगा। और यहाँ पर आने के बाद डिडक्टी टाइप क्या है आपका, तो जो भी आपका डिडक्टी टाइप हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, गवर्नमेंट हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, एसोसिएशन पर्सन हो, जो भी हो यहाँ पे डाल करके फिर आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। और यहाँ पर पैन कार्ड की डिटेल वगैरह डालनी बड़ी ज़रूरी है, तो जो भी आपका पैन कार्ड का डिटेल होता हो वो ज़रूर डाल दीजिएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पे यस रखिएगा, एंटर करिएगा और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ही रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पर इस तरीके से आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो हमने अभी बनाया लेजर उसको लेकर के आएंगे। आई बात समझ लीजिए, जो अभी हमने बनाया थोड़ी देर पहले उसको लेकर के आना है। तो हमने बनाया था सैलरी, तो सैलरी को हम सैलरी का लेजर यहाँ इंसर्ट करेंगे। और क्या सैलरी मिल रही है, जैसे 80,000 यहाँ पर मैंने डाल दिया है और यहाँ पर फिर आ रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्रेडिटर पार्टी का लेजर आएगा। तो जैसे ही क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू 10%
ये कट करके आपके सामने आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कट करके सामने आ गया है। अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस रखते हुए आगे बढ़िए, यहाँ पर न्यू रेफरेंस रखिए, आगे बढ़िए, यानी 8000 कुल मिला के कटा हुआ है टीडीएस। टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो रहा है, ये भी आपने देखा। अब यहाँ पर एक लेजर और क्रिएट करना है, तो अल्ट सी करके हम यहाँ पे टीडीएस का भी एक लेजर क्रिएट कर लेंगे और इसे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाल देंगे, बहुत आसान है, ठीक है। और इसे टीडीएस ही रखना है, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी मत कर दीजिएगा। और ये टीडीएस ऑन सैलरी मैंने बनाया ही था नेचर ऑफ पेमेंट, इसको डाल करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कुल मिला के 8000 टीडीएस कटा हुआ है, एकदम आसान है, ठीक है। अगर जीएसटी की डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहाँ पे नरेशन डाला जा सकता है टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, ये मैंने डाल दिया डिडक्टेड, डिडक्टेड कर देंगे और ये हो गया। इस तरीके से एंटर करके इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। जब इसका रिपोर्ट देखेंगे आप, मतलब कि जब इसका प्रिंट देखेंगे कैसा आया हुआ है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं, जनरल वाउचर में जाएंगे और यहाँ अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ से आई बटन प्रेस करके आप इसका प्रिंट आउट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का प्रिंट आउट आएगा। आई होप कि सारी चीजें समझ में आई होंगी कि किस किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये 10% टीडीएस डिडक्ट होकर आ जाता है, तो ऑटोमेटिक टीडीएस जब भी आपका ना डिडक्ट हो रहा हो तो ये तरीका आजमाइएगा, ये मेथड आजमाइएगा, मेरी कही हुई बातों को फॉलो कीजिएगा, जरूर टीडीएस ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।